तीमोथियों की पत्री 11 अध्याय उसका 3 पद लिखा हुआ है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन के प्रचार में सुबोधता के ऊपर में अधिक बल नहीं दे सकता। हमारे अधिकांश प्रचारक उन सेमिनरियों में या बाइबल अध्ययन के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हैं जहां बौद्धिक बातें सिखाई जाती हैं। मैं ऐसे ही एक प्रचारक का प्रवचन सुन रहा था और समझ नहीं पाया कि वह क्या कहना चाहता था। 15 मिनट बाद मुझे विश्वास हो गया था कि वह जो कह रहा था स्वयं नहीं जानता था। वे इतना अधिक ज्ञान प्रदर्शन करते हैं कि अंत में उनके कहने का अर्थ कुछ नहीं निकलता है। उसे जिस बात की आवश्यकता थी वह परमेश्वर के वचन के अनावरण की थी। ओह, प्रभु यीशु की सुबोधता। मेरे मित्रों, पौलुस अब भी उन अल्पसंख्यक विपक्षियों को संबोधित कर रहा है जो उसके लिए परेशानी खड़ी कर रहे थे और उसकी सेवा की मानहानि कर रहे थे। उसके अब तक कुरिन्थ न आने का कारण वह पहले ही बता चुका था। वह पास्टर होने के लिए नहीं बुलाया गया था, वह एक प्रचारक था। मूल में एक प्रचारक जो किसी अन्य प्रचारक की नींव पर निर्माण नहीं करता है। जी हाँ, वह आगे बढ़ता हुआ पृथ्वी की छोर तक पहुंचना चाहता था। यह उसकी सेवा थी। अब उन्हें बताना चाहता है कि वह एक मान्य प्रेरित है। अतः उसने लिखा, मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। पौलुस क्यों उनके द्वारा स्वयं को मूर्ख बनाने देता था? यद्यपि वह अपनी रक्षा में वाद प्रस्तुत करने की अपेक्षा मसीह की बातें करना चाहता था। जी हाँ, अब यह आवश्यक हो गया था कि वह अपना प्रतिवाद प्रस्तुत करे। तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। मेरे मित्रों, इस अध्याय में वह बार बार यही कहता है, यदि तुम थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता, हाँ मेरी सह भी लो। और पद 16 में वह कहता है, मैं फिर कहता हूँ कोई मुझे मूर्ख न समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूं। वह कहता है कि प्रतिवाद करना उसके लिए अब आवश्यक हो गया है कि वह मूर्खता की बातें नहीं करता है। यूनानी भाषा के मूर्ख शब्द का वास्तविक अर्थ है निर्बुद्धि की बातें करना, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, मूढ़, अज्ञानी, घमंड आदि। पौलुस कहता है कि अपनी प्रतिरक्षा में समय गंवाना निर्बुद्धि है, क्योंकि उसमें वचन का प्रचार नहीं है, वह उसकी सेवा का उद्देश्य भी नहीं है। परंतु वह कहता है कि इस विपक्षी दल के कारण उसे ऐसा करना पड़ रहा है। यही कारण है कि वह उन्हें उसकी मूर्खता सहन करने को कहता है। उसे वे मूर्ख मान ले जिससे कि वह अपनी प्रेरिताई को बचा पाए। यहाँ हम शैतान का काम देख सकते हैं। जी हाँ, आरंभिक कलीसिया में शैतान ने सताव का उपयोग किया, परंतु उसने देखा कि वह मसीह के नाम का बढ़ना रोक नहीं पा रहा था। सच तो यह है कि मसीह के बाद प्रथम 100 वर्षों में कलीसियाओं ने जो विकास किया वैसा विकास कलीसिया में और कभी नहीं हुआ। मसीही विश्वास संपूर्ण रोमी साम्राज्य में फैल गया था और सन 315 में रोम के कोने कोने में मसीह का नाम व्याप्त था। यह सताव का युग था। मेरे मित्रों, शैतान ने देखा कि सताव के द्वारा कलीसिया का विकास नहीं रुकेगा, तो उसने अपनी युक्ति बदल दी। उसने कलीसिया की सदस्यता ले ली। उसने कलीसिया को भीतर से हानि पहुंचाना आरंभ कर दिया। वह आज भी ऐसा ही करता है। वह परमेश्वर के वचन की प्रामाणिकता पर वार करता है। वह सुसमाचार को अमान्य ठहराना चाहता है। यदि वह यहाँ सफल नहीं होता है तो वह प्रचारक को अयोग्य सिद्ध करता है। इसी प्रकार उसने पौलुस को अयोग्य सिद्ध करना चाहा था। पौलुस स्पष्ट कहता है कि अपना बचाव करने में समय लगाने की अपेक्षा वह वचन के प्रचार में समय लगाए। वह अपना प्रतिवाद इसलिए दे रहा है कि उसमें कुरिन्थ के विश्वासियों के लिए ईश्वरीय धुन थी। वह उनसे प्रेम करता था। उसे डर था कि कहीं वे शैतान द्वारा छले न जाएं, जैसे हवा छली गई थी। पौलुस जानता था कि शैतान काम करता है,
तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। मेरे प्रियो, कुरिंथ में कुछ विश्वासी ऐसे भी थे जो पौलुस को प्रेरित नहीं मानते थे। पौलुस नहीं चाहता था कि वे शैतान के बहकावे में आ जाएं, अतः वह प्रचार करने का अपना कुछ समय उन्हें यह सिद्ध करने में लगाता है कि वह परमेश्वर द्वारा मसीह यीशु का सेवक नियुक्त किया गया है। वह जानता है कि शैतान उन्हें पद भ्रष्ट करने का भरसक प्रयास कर रहा है, अतः वह उन्हें चिताता है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। ध्यान दीजिए, किसी और यीशु, किसी और आत्मा, किसी और सुसमाचार के प्रचार की समस्या आज भी है। कुछ समय पहले यीशु सुपरस्टार का एक संगीत प्रस्तुतिकरण था जिसमें उस यीशु को दर्शाया गया था जो कभी था ही नहीं। वह मुक्त विचारवादियों का यीशु था। वे यीशु के ईश्वरत्व का इनकार करते थे। यदि कोई यीशु का कुमारी से जन्मा या जन्म होने को स्वीकार नहीं करते तो बाइबल के यीशु की अपेक्षा किसी और यीशु का प्रचार करते हैं। वे यीशु के आश्चर्य कर्मों को नहीं मानते। बाइबल का यीशु तो आश्चर्य कर्म करता था, अतः उनका यीशु कोई और यीशु है। जी हाँ, बाइबल का यीशु ही संसार के पापों के लिए मर गया था, परंतु वे इसका इनकार करते हैं। वे उसके दैहिक पुनरुत्थान का भी इनकार करते हैं। वे उसे ईश्मानव भी नहीं मानते हैं। एक प्राचीन विश्वास वचन अंगीकार करता है कि वह सिद्ध परमेश्वर और सिद्ध मानव है। यदि इस सत्य का इनकार किया जाए तो जिस यीशु का नाम लिया जा रहा है वह कोई और यीशु है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय के 5 पद में हम पढ़ते हैं, मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ। जी हाँ, मैं तो पौलुस को सबसे बड़ा प्रचारक कहूँगा। वह कहता है, मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरित से कम नहीं हूँ। वह उन्हें बताना चाहता था कि वह भी अन्य किसी भी प्रेरित के समान ही है, क्योंकि वह उनके मध्य तंबू बनाने का काम करता था और मसीह की नम्रता और कोमलता में आचरण करता था। इसलिए वे उसे प्रेरित न माने, यह तो उचित नहीं। देखिए पौलुस कैसे अपना बचाव करता है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय के 6 पद में लिखा है, यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूँ तो भी ज्ञान में नहीं। हमने इसको हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया है। पौलुस एक अति बुद्धिमान व्यक्ति था, परंतु उसकी भाषा सुबोध थी। मेरे जीवन पर प्रभाव डालने वाले दो ही मनुष्य थे, एक था सुबोध शिक्षक और दूसरा था डॉक्टर हेरी। जो सुबोध प्रचारक माने जाते थे वह एक बुद्धिमान मनुष्य थे, परंतु उनका प्रचार बहुत सरल होता था। वह टॉफी इतनी नीचे फेंकते थे या रखते थे कि बच्चों का हाथ पहुंच जाए। सुबोध प्रचार करना पौलुस की नीति थी। मेरे मित्रों, पौलुस कहता है कि वह अशिष्ट भाषा काम में ले रहा है, परंतु मेरे विचार में उसने वही भाषा काम में ली जिसे कुरिंथवासी समझ सकते थे। मेरे विचार में तो उसकी भाषा शैली अशिष्ट ही थी, परंतु पौलुस एक बुद्धिमान मनुष्य था। उसके लेखों से मुझे यह भी समझ में आता है कि उसका बौद्धिक स्तर इस संसार में सबसे ऊंचा था। दूसरा कुरिंथियों 11 अध्याय उसके 7-9 पद में हम पढ़ते हैं, क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेंत मेंत में सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ? मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं, और जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकीदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया और मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर भार बनने से रोका और रोके रहूंगा। पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को उसे आर्थिक सहयोग देने की अनुमति कभी नहीं देगा। वह तंबू बनाने में परिश्रम करेगा। अन्यों से उसे प्रचार में सहायता हेतु आर्थिक सहयोग दिया था, परंतु कुरिन्थ के विश्वासियों ने नहीं।
उसके हाथ कठोर हो गए थे, जिसका अर्थ यह न समझ जाएं कि वह प्रेरित नहीं था। वह मेहनती था और परमेश्वर के वचन का प्रचार करता था, जैसा कि आज भी कुछ एक प्रचारक हैं जो इस प्रकार से काम करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 10 से 12 पद में लिखा है, यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है तो अख्या देश में कोई मुझे इस घमंड से न रोकेगा। क्यों? क्या इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता? परमेश्वर यह जानता है कि मैं प्रेम रखता हूँ, परंतु जो मैं करता हूँ वही करता रहूँगा, कि जो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव पाने न दूँ, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरें। पौलुस कहता है कि वह घमंड करता है क्योंकि उसमें मसीह की सच्चाई है और वह उनके प्रेम से वंचित होने के प्रति सतर्क है। उनके लिए उसके मन में भय भी है। अपोलुस पौलुस से अधिक अच्छा भाषण देता था और परिकृष्ट भी दिखाता था। वह परिश्रम नहीं करता था। यहाँ किसी की किसी से तुलना करना मुख्य बात नहीं है। पौलुस तंबू बनाता था। वह कुरिन्थ के विश्वासियों से आर्थिक सहायता भी नहीं मांगता था। इसका अर्थ यह तो नहीं कि वह प्रेरित नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 13 और 14 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। यहाँ पर स्पष्ट है कि वहाँ झूठे प्रचारक भी थे जो स्वयं को मसीह के प्रचारक कहते थे, जबकि वे थे नहीं। वे वास्तव में शैतान के दास थे, जैसा कि आज भी हम कई लोगों को पाते हैं। हम प्रायः सोचते हैं कि शैतान के पंजे हैं, जिनमें बड़े बड़े नाखून हैं, उसके सिंह हैं। यह विचार यूनानी दंत कथा के देवतापन से आया है, जिसे आधा पशु दर्शाया गया है और डायनिसस के नाम से पुकारा जाता है। शैतान को पैन देवता स्वरूप मानना धर्मशास्त्र का दृष्टिकोण नहीं है। शैतान तो ज्योति का स्वर्गदूत है। यदि वह आपके सामने आ जाए तो आप उसके सौंदर्य से आवाक रह जाएंगे। अतः पौलुस सारांश निकालता है और कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 15 पद में, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। जी हाँ, यहाँ भयावह बात यह है कि शैतान के सेवक भी हैं। शैतान ज्योति का स्वर्गदूत बन सकता है, तो उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवक बन सकते हैं। वे नकली रूप बनाकर आ सकते हैं। वे अति आकर्षक भी होते हैं, जिससे लोग ठगे जाते हैं और उनके पीछे चलते हैं, जो उन्हें नरक की ओर ले चलते हैं। मुझे स्मरण आता है कि अपनी किशोर अवस्था में मैं एक धार्मिक पंथ के शिक्षक की बातें सुनने के लिए गया था। मैं विश्वासी परिवार से नहीं था, अतः सच और झूठ में अंतर नहीं कर पाता था। उस शिक्षक ने श्रोताओं के प्रश्न पढ़े। मेरे विचार में तो वे प्रश्न श्रोताओं के नहीं थे, उसने स्वयं ही के प्रश्न तैयार किए थे कि वह अपनी बात कह पाए। किसी ने पूछा था कि क्या वह अपने सिर के ऊपर उपस्थित प्रकाश मंडल की व्याख्या कर सकता है। देखिए क्या सिद्ध करना वह चाहता है। वह स्वयं को ज्योति का प्रचारक दिखाना चाहता था। वह स्वयं का महिमान्वन करना चाहता था। शैतान के सेवकों का यही काम है कि स्वयं का महिमान्वन करें। यह भी एक परख है कि आप निश्चित करें कि प्रचारक परमेश्वर के वचन की सुबोधता प्रकट कर रहा है या किसी और यीशु की चर्चा कर रहा है या स्वयं की चर्चा कर रहा है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 16 से 17 पद में लिखा हुआ है, मैं फिर कहता हूँ कोई मुझे मूर्ख न समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूँ। इस बेधड़क घमंड में जो कुछ मैं कहता हूँ वह प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं, पर मानो मूर्खता से ही कहता हूँ। यहाँ पर पौलुस कहता है कि वह मूर्खता प्रकट कर रहा है, परंतु वे उसे सहन करें। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 18 और 19 पद में आगे लिखा है, जबकि बहुत से लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं तो मैं भी घमंड करूंगा।
तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो, वह कुछ अंश पवित्र उपहास करता है। यहाँ पर आगे लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 11 के 20 पद में, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है तो तुम सह लेते हो। वह उन्हें अच्छी तरह झिड़कता है। वह कहता है कि कोई उनके मध्य आकर उन्हें व्यवस्था के दासत्व में लौटा लाए, उन पर निर्वाह करे, अपने आप को बड़ा बनाए, उन्हें हानि पहुंचाए, तो वे उसे सह लेंगे। वे एक झूठे शिक्षक के ऐसे व्यवहार को स्वीकार करेंगे परंतु सच्चे को नहीं। अब पौलुस सुसमाचार का सेवक होने के कारण कैसा जीवन जीता था उसका विवरण सुनाता है। मैं अनेक वर्ष सेवा में रहा हूं परंतु पौलुस की जीवनी पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो सेवा को खेल समझ रहा था। मैं पौलुस के समान परमेश्वर का सेवक नहीं रहा हूं। आइए हम पढ़ें दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 21 और 22 पद में, मेरा कहना अनादर ही की रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे, परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है मैं मूर्खता से कहता हूँ मैं भी साहस करता हूँ। क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही इसराइली हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही अब्राहम के वंश हैं? मैं भी हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पौलुस कहता है कि वह अपने वंशावली सिद्ध कर सकता था। तब आगे देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 23 और 24 पद में, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39-39 कोड़े खाए। मेरे मित्रों, उस युग में 39 कोड़े मारने की प्रथा थी, 13 कोड़े एक और 13 दूसरी ओर और 13 पीठ पर। पौलुस को 5 बार कोड़े खाने पड़े। आगे लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 11 उसके 25 से 27 पद में, लिखा हुआ है 3 बार मैंने बेंते खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा टूट गया, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगर के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में। मेरे मित्रों, हम में से कितने हैं जो कह सकते हैं कि हमने या हमसे मसीह के कष्टों का एक अंश भी भोगा है? हम तो सुख सुविधा में रहते हैं। हम मसीह के लिए कष्ट उठाना तो व्यवहारिक रूप से जानते ही नहीं। थोड़ा सा सताव आता है, हम परेशान हो जाते हैं, परंतु पौलुस के जीवन से हम देखते हैं कि उसने मसीह के लिए क्या किया। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 11 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। हम पासवानों या पास्टरों ने अपनी कलीसिया के बोझ का अनुभव अवश्य किया है, परंतु पौलुस पर तो सब कलीसियाओं का बोझ था। हम इसके दुष्परिणाम को बहुत कम जानते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 29 से 31 पद में लिखा हुआ है, किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता? किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता? यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। पौलुस कहता है कि मसीह के सेवक होने का मेरा यह सेवा विवरण है। आगे दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 32 और 33 पद में लिखा है, दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो हाकिम था उसने मुझे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था, और मैं टोकरे में खिड़की से होकर शहरपनाह पर से उतारा गया और उसके हाथ से बच निकला। एक टोकरी में बैठा कर नीचे उतारा जाना कैसा लज्जाजनक रहा होगा।
जब मैं किसी स्थान में प्रचार करने सभा में खड़ा होता हूँ, तब मेरे मेजबान मुझे एक अच्छे जगह पर रुकवाते हैं और मेरी पूरी तरह से सेवा करते हैं। अन्य प्रचारकों का भी यही अनुभव होगा, मुझे सम्मान के साथ स्वीकार किया जाता है। पौलुस को उसके हथियारों से बचाने के लिए टोकरी में बैठाकर शहर पनाह के बाहर उतारा गया था। यह कैसी लज्जा की बात रही है, परंतु मसीह के लिए वह यह करने को भी तैयार था। मेरे मित्रों, मसीह के लिए कष्ट उठाने का घमंड न करें, इसे बार बार पढ़ें। हमें लज्जा में अपने सिर झुकाकर कहना है, हे प्रभु यीशु, तुझसे निष्ठा निभाने में मेरी सहायता कर, तेरा वफादार बनने में मेरी सहायता कर, ताकि मैं तेरे लिए योग्य ठहर सकूं। मेरे प्रिय मित्र, मेरे श्रोता मित्र, आज जो आप वचन को सुन रहे हैं, क्या आप परमेश्वर के लिए सहने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस पर विश्वास करके उस पर बने रहने के लिए तैयार हैं? आज हमने पौलुस के जीवन से इस बात को देख लिया कि उसने परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ खो दिया, अर्थात उसने सब कुछ सह लिया ताकि परमेश्वर को महिमा दे सके।